अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आफ्टर इफेक्ट के एक ज़बरदस्त ट्यूटोरियल के साथ हाज़िर हूँ, जिसमें हम सीखेंगे कि किस तरीके से वीडियो के अंदर किसी भी मतलूबा फेस को ब्लोर किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आफ्टर इफेक्ट खोलिए, उसके बाद फाइल में जाइए, इम्पोर्ट में जाइए और फाइल पर क्लिक करें। फिर जहाँ पर आपका वीडियो क्लिप पड़ा हुआ है, आप उसको ओपन करें। ओपन करने के बाद आप इसको ड्रैग कर लें टाइम लाइन पर। ये करने के बाद आप वो एरिया जो कि आप ब्लोर करना चाहते हैं, उसको आप हैंड टूल के ज़रिए थोड़ा क्लोज कर लें। अब हम यहाँ पर इस लड़की के फेस को ब्लोर करना चाहते हैं, तो सबसे पहले इसके लिए हमें करना होगा कि इसको मोशन ट्रैकिंग के ज़रिए इसकी फेस की उसकी मूवमेंट को हम उसको सेव करेंगे। तो सबसे पहले अगर आपके पास ये ट्रैक मोशन का बटन नहीं आ रहा, तो आप विंडो में जाइए और यहाँ पर ट्रैकर पर क्लिक कर दीजिए और चेक लगा दीजिए, तो फिर ये आपके पास शो होने लगेगा। तो ये करने इससे पहले आप लायर में जाएं, न्यू पर क्लिक करें, नल ऑब्जेक्ट ले लें। नल ऑब्जेक्ट आप उस फेस पर ले आएँ, उसके बाद फिर आप वीडियो वीडियो की लेयर को सिलेक्ट करें, फिर ट्रैक मोशन पर को क्लिक करें, फिर उसके बाद रोटेशन पे क्लिक करें। इस तरह आपके पास ये दो बॉक्सेस आ गए, ट्रैक पॉइंट वन एंड टू। तो सबसे पहले आप ट्रैक पॉइंट वन को इसकी एक आई पे लेके जाएंगे, तो देखिएगा जब आप इसके ऊपर माउस को लेके जाएंगे तो इस तरह ये ब्लैक ब्लैक सा कर्सर बन जाएगा। तो फिर ये एक मैग्नीफाई गिलास की तरह बन जाएगा। ये देखिए, ये आपने एक आई पर इसको सिलेक्शन ले ली। इसी तरह दूसरी आई के लिए आप इसी तरह दूसरा बॉक्स भी दूसरी आई पर ले जाएं। ये करने के बाद आप यहाँ पर इस बटन से, ये जो बटन है यहाँ पर, इस बटन को प्रेस करेंगे तो ये इसको एनालाइज करेगा पूरे पूरे क्लिप को। एनालाइज यानी ये सेव करेगा जितनी भी इसकी मूवमेंट है, और फिर आपको ये एक रीडिंग सारी टाइमलाइन में आपके वीडियो क्लिप के साथ दे देगा। उसके बाद ये करने के बाद आप यहाँ पर अप्लाई करें, ये अप्लाई करें, एक्स एंड वाई सिलेक्ट करें, इसमें एक्स ओनली और वाई ओनली भी, आप एक्स एंड वाई को ओके कर दें। ओके करने के बाद आपने देखा यहाँ पर, ये यहाँ पर ट्रैकर वन एंड टू मुख्तलिफ रीडिंग इसने आपके लिए सेव कर दी। आप इसको क्लैप्स कर दें, और ये करने के बाद अब आप आइए दोबारा लायर में, न्यू पर क्लिक करें और यहाँ से एडजस्टमेंट लायर ले लें। एडजस्टमेंट लायर लेने के बाद आप यहाँ पर इफेक्ट्स में जाइए और यहाँ पर MOS डालें। तो आपके पास स्टाइलाइज में ये मोसेक टूल मोसेक प्लगइन आ जाएगा। आप इफेक्ट्स में भी जाकर ले सकते हैं, इसको आप ड्रैग करके एडजस्टमेंट लायर पर ले आएं। तो इस तरह आपके पास ये वीडियो आ जाएगी। आप यहाँ से अब इसको तकरीबन 70 और 70 कर दें। ये करने के बाद अब आप जो आपकी एडजस्टमेंट लायर है उसकी जो ये आई है यहाँ पर, इसको अनचेक कर दें, ये हाइड कर दें। ये करने के बाद जो एरिया आपने ब्लोर करना है उसको पेन टूल के ज़रिए उसको सिलेक्ट कर लें। ये करने के बाद आप दोबारा आई पर क्लिक करें, तो देखिए आपको ये पास ये फेस ब्लोर हो गया। अब मज़ीद ये करना है कि इसको दोबारा प्ले करके देखें कि किस कदर ये, क्यों समटाइम ऐसा होता है इस तरह करने के बावजूद भी फेस, आपने देखा कि थोड़ा सा ये राइट पे मूव किया लड़की ने, तो वो फेस उसकी रीडिंग उसके हिसाब से मतलब सेट नहीं हुई मास्क की। तो इसको भी हम सेट करते हैं, दोबारा देखिएगा, ये देखिए आप, ये यहाँ पर, ये यहाँ से यहाँ पर। ये करने के इसको सेट करने के लिए आप यहाँ पर एडजस्टमेंट लायर पे ही क्लिक करें और यहाँ से पी, अपने कीबोर्ड से पी प्रेस करें।
ये करने के बाद आप इस पोजीशन पे यहाँ पर ये जो टाइम जो क्लॉक लगी हुई है इस पे चेक करें, और फिर यहाँ पर एरो टूल से इसको थोड़ा सा मास को बड़ा कर लें। आप बड़ा भी कर सकते हैं इसको, मूव भी कर सकते हैं, ये देखिए। और ये देखिए ये अभी इस एरिया में आ गया, और इतनी थोड़े से एरिया पर था, तो यहाँ से इसको सेव करने के लिए यहाँ से इस बटन को चेक कर दें। अभी आपके पास मूवमेंट सेव हो गई, दोबारा चेक करें अभी। आपने देखा कि ये मुकम्मल तौर पर अभी ब्लर हो चुका है। अब ये मास्क हटाने के लिए आप यहाँ से इस बटन पर, ये जहाँ पर मेरा ये माउस का कर्सर है वो देखिए, इस बटन को चेक करेंगे तो ये माउस हट जाएगा। बाकी रहा ये निशान जो कि आपको ये नल ऑब्जेक्ट का है, और ये आप जब वीडियो सेव करेंगे तो उसमें ये शो नहीं होता। तो उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आएगा। अल्लाह हाफिज़।